हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं डिफ्रेक्शन की, ठीक है। और डिफ्रेक्शन के साथ ही हमारा बे ऑप्टिक्स का एंड हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, वी विल फिनिश दैट बे ऑप्टिक्स इन 3 लेक्चर्स। इट मीन्स वी आर फिनिशिंग दैट इन 3 लेक्चर्स, राइट। हम डिफ्रेक्शन पैटर्न को इस ख़त्म करने के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 3 लेक्चर्स में पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो कहानी को जरा स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? डिफ्रेक्शन से। इंटरफेरेंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं, क्या उनकी पोजिशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, उनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब हम बात करेंगे कि डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन, क्लियर। सो व्हाट डज इट मीन बाय डिफ्रेक्शन? बेसिकली डिफ्रेक्शन मीन्स व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू एनी अपर्चर, स्मॉल अपर्चर, कंडीशन इज वेरी valid if the aperture is small. Diffraction will be like valid only when aperture is small, otherwise वहाँ पर diffraction का pattern show नहीं होगा। हो रहा होगा diffraction, but आपको पता नहीं चलेगा, observe करना बहुत मुश्किल हो जाएगा if the size of the aperture is not very small। अब कितना small वो अभी समझेंगे हम लोग, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास diffraction of light है ना, देखो ये हमारे पास एक अपर्चर है। अब अगर हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट, मतलब हमारी जो लाइट वेव्स हैं जो आ रही हैं, ये हमारी प्लेन लाइट वेव्स हैं। जब ये इस अपर्चर से पास होती हैं तो क्या होता है, ये लाइट वेव्स कॉर्नर्स पर थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं। सो इट मीन्स वी कैन से लाइक दिस प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्टेड इंटू वॉट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो लाइट रेज बेंड्स एट द कॉर्नर्स व्हेन दे आर पासिंग थ्रू एनी अपर्चर और थ्रू एनी ऑब्स्टेकल, दैट फिनोमेना इज नॉन एज डिफ्रेक्शन। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस वे, सपोज दिस इज अ स्लिट, व्हेन लाइट वेव इज पासिंग थ्रू दैट, they will little bit bending, there is a little bit bending in these light waves, maybe this side or maybe this side. So this bending of light at the apertures, at the obstacle, is called diffraction of light. So how can you define it? We can define it like the phenomenon of bending of light, when it passes through any aperture or obstacle, is called diffraction of light. is it clear? right. so ये क्या है? diffraction of light है। कहानी को समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इस डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को मैथमेटिकली समझेंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली ये फिनोमेना जब अकर होता है, तो आप जानते हो कि जब लाइट हमारी किसी अपर्चर से पास होगी, यू नो इट विल इंटरफेयर, एंड व्हेन दीज लाइट वेव सुपर इम्पोज दे विल फॉर्म द फ्रिंजेस, दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। बट हेयर फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड,
बट द क्वेश्चन इज क्या वो फ्रिंजेस हमारी उसी तरह की फॉर्म्ड होंगी, क्या वो बैंड्स हमारे उसी तरह की फॉर्म होंगे जो कि इंटरफेरेंस में हो रहे थे, या कुछ चेंजेस आएंगे, और अगर चेंजेस आएंगे तो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, ये सारी कहानी को हमें यहाँ पर समझना है। तो ज़रा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसमें जानते हैं कि कैसे हमारा डिफ्रेक्शन पैटर्न जो हमारा बनेगा उसमें किस तरह से बैंड्स बनेंगे, क्या उनकी पोजीशन और क्या कंडीशंस होंगी। तो उसके लिए हम थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे यहाँ पर। सो दैट इज़ फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट से हम डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, सिंगल स्लिट से हम डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट मी सपोज वी हैव अ सिंगल स्लिट, दिस वन, क्लियर, एंड लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम हियर, क्लियर। सो लेट मी सपोज वी हैव अ स्क्रीन हियर एंड वन लाइट वेव विच इज रीचिंग एट दिस पॉइंट, अनदर वेव मे बी रीचेज एट द सेम पॉइंट हियर, राइट। दिस मे हैपन कि यहाँ से लाइट वेव्स हमारी सेंटर पे भी कोइंसाइड करें, सेंटर पे भी मैच कर रही हों, लाइक दिस, दिस मे हैपन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कुछ फ्रिंजेस बनेंगी। अब कैसी फ्रिंजेस बनेंगी उनको हमें समझना है। तो देखिए जरा, ये तो हमारी हो गई सेंटर वाली फ्रिंज, इसको हमने सी मान लिया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना पी, और हमने ये एज्यूम किया कि जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ पर हम एक ये ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड व्हेन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर यू विल सी व्हाट इज द बेसिकली पाथ डिफरेंस। सो इफ दिस अपर्चर इज हैविंग ए विड्थ, देन दिस ए साइन थीटा विल बी पाथ डिफरेंस, दिस विल बी लाइक वॉट, दिस वन, दिस लेंथ हेयर टू हेयर, दिस विल बी योर पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज वॉट, थीटा इज दिस एंगल जो कि उसमें बेंडिंग आई है, हमारी लाइट में कितनी बेंडिंग आई है, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा दिस वन, सो दैट इज वाई वी कैन से कि दैट इज वॉट एंगल बिटवीन द लाइट वेव्स, क्लियर। सो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा कि दो लाइट रेज हमारी जाकर और यहाँ सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब यहाँ मिनिमा क्या होगी, मैक्सिमा क्या होगी, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, और क्या हमारा बेसिकली फेज डिफरेंसेस आएंगे। तो आपको पता है कि फेज डिफरेंस अगर हमारा 180 है तो मिनिमा मिलेगा, अगर हमारा पाथ फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस की वैल्यू 1 होनी चाहिए तब मिलती है, मिनिमम इंटेंसिटी कॉस की वैल्यू -1 होनी चाहिए तब मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमा, और मे बी आई कैन से कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालेंगे, सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, पहले इसको समझो कि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या रहती है। तो यहाँ पर एकदम इंटरफेरेंस का उल्टा है, इंटरफेरेंस में आपने देखा था कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ क्या है, इंटरफेरेंस में आपने क्या देखा था, इंटरफेरेंस में आपने देखा था कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, अगर हमारा पाथ डिफरेंस एन प्लस हाफ लेमडा है तो यहाँ पर क्या बनता था, मिनिमा बनता था, मिनिमा मीन्स डार्क बैंड बनते थे, डार्क फ्रिंजेस बनती थी। और अगर हमारा पाथ डिफरेंस कितना होता था,
एन लेमडा होता था, देन यहाँ आपने देखा था मैक्सिमा मिलती थी, मीन्स हम ये कह सकते थे कि ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, क्लियर। बट यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है, कहाँ पर? डिफ्रेक्शन में। कैसे उल्टा है, क्यों उल्टा है, इसको आप समझोगे अभी। तो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है ना, ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, ए साइन थीटा है, जो कि इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, यहां रिवर्स हो जाएगा तो मैक्सिमा में एन प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा, एन प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर, यहां पर एन की वैल्यू आप क्या लोगे, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, आप माइनस में भी ले सकते हो तो वो रिवर्स में आ जाएगी दूसरी तरफ, तो प्लस माइनस जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम एन की वैल्यू जीरो रखते हैं, अगर ध्यान से देखो, अगर हम एन की वैल्यू जीरो रखते हैं यहाँ पर, इसको तो हम इधर कर ही देते हैं, इस ये तो डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न था। अगर हम एन की वैल्यू जीरो लेते हैं तो ज़रा देखो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ए साइन थीटा हमें क्या मिल रहा है, ए साइन थीटा हमारा क्या आएगा, ये आएगा लैम्डा बाई टू, ठीक है। अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं तो ये आएगा थ्री लैम्डा बाई टू, अगर हम एन की वैल्यू क्या लेते हैं, टू लेते हैं तो ये आएगा टू और फाइव लैम्डा बाई टू, अगर हम एन की वैल्यू थ्री लेते हैं तो क्या आएगा, सेवन लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन, राइट। इस तरह के पैटर्न्स, इस तरह की पाथ डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस तरह की पाथ डिफरेंसेस आ रहे हैं जो कि हमारे बेसिकली ऑड मल्टीपल है लैम्डा अपॉन टू के, ऑड मल्टीपल है लैम्डा अपॉन टू के, राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी को। अगर हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की जगह अब मिनिमा या सेकेंडरी मिनिमा की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमा की बात करते हैं बेटा, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा में इसका अगेन उल्टा है इंटरफेरेंस का, यहां क्या होगा, एन लैम्डा होगा, क्या होगा, एन लैम्डा होगा, एन लैम्डा होगा तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा भाई, पाथ डिफरेंस एन इज इक्वल्स टू जीरो अगर रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, और जीरो पाथ डिफरेंस हो जाएगा तो क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो पे मैक्सिमम मिलेगा, इट मींस एन की वैल्यू वन, यहाँ मिनिमा के लिए वन तो हो ही नहीं, जीरो हो ही नहीं सकती, वन से स्टार्ट होगी, टू थ्री फोर एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें एन इज इक्वल्स टू वन पर हमारा ए साइन थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, एन इज इक्वल्स टू टू पर हमारा टू लैम्डा आ जाएगा, ये थ्री लैम्डा आ जाएगा, फिर फोर लैम्डा आ जाएगा एंड फाइव लैम्डा आ जाएगा एंड सो ऑन, यही तो आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब कहानी को समझने की, अच्छा तो यहाँ मैक्सिमा बनेगी कहाँ, लैम्डा पर, टू लैम्डा पर, थ्री लैम्डा पर, फोर लैम्डा पर, फाइव लैम्डा पर मैक्सिमा बनेगी, और कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगी, यहाँ पर लैम्डा बाई टू जीरो, तो मीन्स लैम्डा बाई टू पर, थ्री लैम्डा बाई टू पर, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन, क्लियर है यहां तक। अब जरा ध्यान से देखना कि ये जो हमने लिखा है ये तो है मिनिमा के लिए, ये है मिनिमा, ये किसके लिए है, मिनिमा के लिए है ये, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ये किसके लिए है, ये मिनिमा के लिए है, ठीक। और अगर ए साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, लैम्डा अपॉन टू, थ्री लैम्डा अपॉन टू, फाइव लैम्डा अपॉन टू, सेवन लैम्डा अपॉन टू एंड सो ऑन, तो हमें क्या मिल रहा था,
मैक्सिमा मिल रही थी। अब कोई सी मैक्सिमा हो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो अगर हमने एन को लिया जीरो तो लैम्डा बाई टू आया था, ठीक है। एन वन लिया यहां तो लैम्डा आया था टू लैम्डा एंड सो ऑन। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जरा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं ये क्या हो रहा है, कहानी हमारी कैसी हो रही है। ये हमारा पूरा का पूरा स्लिट विड्थ है, पूरा स्लिट है, सिंगल स्लिट है हमारी पूरी। अगर मान लो हम इस सिंगल स्लिट को किस में डिवाइड कर दें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल वेव फ्रंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से कुछ लाइट वेव्स जाएंगी, कुछ हमारी इस वेव फ्रंट से भी पहुँचेंगी। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि लैम्डा हमारी वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है, और इस लैम्डा को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं लैम्डा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो देखना जरा क्या मिलेगा भाई। लैम्डा बाई इसका दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू, दोनों का लैम्डा बाई टू हो जाएगा। यहाँ दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो अगर हमारा पूरा पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो दो जो हमारे जो एक तरह से प्लेन बने हैं, एक तरह से दो पोर्शन बने हैं दो सेक्शन में, तो उनमें दोनों में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टू पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर आपको क्या देखना है। देखो मिनिमम पार्ट डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, लैम्डा बाई टू, उससे मिनिमम अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एक सेंटर पर मैक्सिमम बन रही है, वहाँ जीरो पार्ट डिफरेंस है, जीरो पार्ट डिफरेंस है, वहाँ सेंटर पर मैक्सिमम बनेगी तो वो जीरो पार्ट डिफरेंस आएगा, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है वो, तो वहाँ जीरो आएगा, राइट। बट हमें क्या समझना है, अच्छा लैम्डा बाई टू। अब हम इस थ्री लैम्डा बाई टू को लेते हैं और इस थ्री लैम्डा बाई टू को हम क्या कर देते हैं, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, इसको हमने दो में डिवाइड करा, इसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, मतलब लैम्डा बाई टू तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो थ्री लैम्डा बाई टू हो गया, ठीक है। ऐसे इधर हमने इसको लैम्डा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो लैम्डा बाई टू हो गया। अब बेटा ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई टू है तो कहानी को जरा समझने की कोशिश करो, फेज डिफरेंस कितना आएगा, टू पाए बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस जो कि लैम्डा बाई टू है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, टू से टू कैंसिल। आप देखो फेज डिफरेंस आ रहा है पाई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि क्या बन रहा होगा वहाँ पर, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी ये दोनों हमारी पल्सेस, क्या बनाएंगी, मिनिमा बनाएगी, नॉट मैक्सिमा, क्योंकि पाई फेज डिफरेंस है इसलिए दोनों पल्सेस हमारी क्या बनाएंगी, मिनिमा बनाएंगी, राइट, क्लियर है। अच्छा अगर ये क्लियर है तो कहानी को इधर और ले जाते हैं। अब हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा, तो भाई ये तो आपको समझ आ गया कि पहले दो पार्ट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, इन दोनों के बीच में 180 का फेज डिफरेंस होगा, एक सिंगल रह जाएगा लैम्डा बाई टू जिसकी वजह से वहां पर कुछ तो ब्राइटनेस पहुंच जाएगी। अगर ये स्क्रीन है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ दो तो इंटरफेयर कर जाएंगे डिस्ट्रक्टिवली, उनकी वजह से तो ब्राइटनेस नहीं होगी, लेकिन तीसरे वाले की वजह से कुछ तो ब्राइटनेस पहुंचेगी वहां पर। इट मीन्स तीसरे वाले की वजह से यहाँ क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, ब्राइट बैंड मिल रहा है। सिमिलरली जब हमने इसको लिया टू लैम्डा को, अब इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया लैम्डा बाई टू के हिसाब से ही, चार पार्ट में, डिवीजन सेम रखने अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, आपको लैम्डा बाई टू का ही डिफरेंस रखना है। तो जब चार पार्ट में करेंगे तो ये दोनों इंटरफेयर कर जाएंगे 180 पर, ये दोनों इंटरफेयर कर जाएंगे 180 पर, और अल्टीमेटली दोनों क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और मिनिमा फॉर्म कर देंगे वहाँ। तो 2 लैम्डा पर क्या बना, मिनिमा बना। फिर 5 लैम्डा बाई 2 जब आया हमारा उसके बीच में, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 से 5 हो गए। 5 पार्ट में जब डिवाइड करा तो 4 तो इंटरफेयर कर जाएंगे डिस्ट्रक्टिवली, एक बचेगा आपका
वो क्या होगा, वहाँ पर कुछ ब्राइटनेस भेजेगा, उस पॉइंट पर कुछ ब्राइटनेस भेजेगा, लेकिन इस बार की ब्राइटनेस पहले वाले की कंपैरिजन में कम होगी। जब तीन पार्ट में डिवाइडेड था हमारा पूरा का पूरा गैप, तो ज़्यादा ब्राइटनेस पहुँच रही होगी क्योंकि ज़्यादा स्पेस था वहाँ पर, तीन ही पार्ट में डिवाइडेड था। पांच में डिवाइड कर दे तो छोटा स्पेस हो जाएगा, स्पेस छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर ब्राइटनेस कम पहुँचेगी। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इंटेंसिटी भी हमारी कम होती जा रही है। अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। हाँ, तो ये हमने देखा कंडीशंस ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझ लो थोड़ा सा और कि किस तरह से हम इसकी इंटेंसिटी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। इंटेंसिटी कर्व पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी हमारी जो मिनिमा और मैक्सिमा बन रही है इनकी इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो आप ये तो जानते हो इंटेंसिटी कर्व बेसिकली कॉस स्क्वायर का फैक्टर होता है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बट यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। अगर हम ये इंटेंसिटी कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, लाइक दिस। सेंटर पर तो मैक्सिमा बनेगी, क्यों बनेगी अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे इस तरह से, देन फिर मिनिमा, देन फिर मैक्सिमा बनेगी सेकेंडरी, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उतना इंटेंस नहीं रहेगी ये, तो इसलिए पीक थोड़ी कम होगी, छोटी होगी पीक। अब दोबारा से मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड सो ऑन, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। सिमिलरली दिस साइड, राइट, लाइक दिस वे, एंड सो ऑन, इस तरह का पैटर्न बना। अब इसमें समझना है आपको ध्यान से कि भाई सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन तुम्हें पता है ना, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, डी, डी की जगह ए लिख लो, ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लेमडा। ठीक है, एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन से, और मिनिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, लाइक एन लैम्डा, यहाँ एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है पाथ डिफरेंस। तो अगर हमने एन इज इक्वल्स टू 0 रखा तो n इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा पाथ डिफरेंस आ ही नहीं रहा, क्या है, 0 पाथ डिफरेंस है। 0 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, और फेज डिफरेंस भी 0 हो गया तो मैक्सिमा मिल जाएगा, ये तो सियोरिटी होगी यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है, यस, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो लैम्डा बाई 2 आ रहा था हमारा, यहाँ से n इज इक्वल्स टू 0 रखने पर, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 रखने पर लैम्डा बाई 2 आ गया, लेकिन n इज इक्वल्स टू 0 तो ये वाली फ्रिंज है, ये वाली, और यहाँ पर देखो पार्ट डिफरेंस क्या है, दोनों वेव्स में नहीं है, एक्चुअल में तो पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, ये केवल और केवल सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ही होल्ड करेगी। ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा होल्ड नहीं करेगा। n इज गोज टू 0 तो ये वाला हम वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती यहाँ, और n इज गोज टू 0 अगर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर यहाँ रखेंगे तो देखो जरा क्या मिल रहा था, n इज गोज टू 0 इसमें रखा, इसमें रखेंगे अगर n इक्वल्स टू 1 से अगर हमने वैल्यूज ली तो देखो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये आया, तो n इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ रखें, अगर मान लो n इक्वल्स टू 0 यहाँ रखें, यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो 0 पार्ट डिफरेंस आया, और 0 पार्ट डिफरेंस अगर आ रहा है इट मीन्स वहाँ क्या मिल रही है, भाई 0 पार्ट डिफरेंस है तो फेज
अब देखो यहाँ से फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट अगर आप करोगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो फेज़ डिफरेंस अगर आ गया, अगर फेज़ डिफरेंस जीरो आ गया, इट मींस मैक्सिमा मिल रही है, सेंटर पर मैक्सिमा मिल रही है। सो सेंट्रल मैक्सिमा की यही कंडीशन है, पार्ट डिफरेंस जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए नहीं लेंगे, ये सेकेंडरी मैक्सिमा में होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जीरो है और सेकेंडरी स्टार्ट होती है वन से। तो अब ग्राफ को देखना ध्यान से, यहां पर n इक्वल्स टू जीरो पर ये मिला, अब ये इधर मिनिमा मिली, एक इधर मिनिमा मिली, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, ये यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। मिनिमा की कंडीशन आप जानते हो क्या है, a साइन थीटा इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, या फिर हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू थीटा n, अगर लिखो जैसे nth मिनिमा है तो वन प्लस सॉरी n प्लस हाफ लैम्डा थीटा साइन थीटा, मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, थीटा हमारे बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू वन रखोगे तो थीटा हमारा कितना आएगा, थीटा n इक्वल्स टू कितना आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये आ गया हम यहाँ पर ए भी है, ए लैम्डा अपॉन ए भी आएगा ना, लैम्डा अपॉन ए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मिल रही है यहाँ पर, तो क्या मिलेगी हमें लैम्डा, ये मिलेगा आपको बेसिकली थ्री लैम्डा अपॉन ए। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की जो कंडीशन है वो क्या है, थ्री लैम्डा अपॉन ए, इसको ऐसे लिख दो थ्री लैम्डा अपॉन ए। लेकिन ये ध्यान से देखना है कि अगर सेकेंडरी जो जो हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इट मींस जो हमारी यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एन लैम्डा और एन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो अगर हम थीटा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो देखो जरा क्या मिलेगा, एन लैम्डा अपॉन ए, यही तो मिलेगा। तो ये जो मिल रहा है n लैम्डा अपॉन a, अब ये कंडीशन, ये तो कंडीशन हमारी मैक्सिमा की है ना, यस ये मैक्सिमा की है, कंडीशन नहीं लगेगी यहाँ पर, ये इस वाली इस यहाँ पर आएगा, ये कंडीशन है, ये यहाँ तक की डिस्टेंस मिली हमें ये, तो अब इसको बाद में करेंगे, ठीक है, पहले हम मिनिमा को समझ लेते हैं, राइट। पहले यहाँ पर इस सेंट्रल मैक्सिमा की कहानी को ख़त्म करते हैं, तो ये आ गया। अब थीटा एन इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया, एन लैम्डा अपॉन ए। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन, तो थीटा वन हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए, इधर भी और लैम्डा अपॉन ए, तो इट मींस हम यहां क्या लिखेंगे, ये पोजीशन हमारी लैम्डा अपॉन ए है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन राइट हैंड साइड लैम्डा अपॉन ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी लैम्डा अपॉन ए ही रहेगी, बस ये है कि ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। सेकेंड मिनिमा की पोजिशन आप यहां देखोगे तो सेकेंड मिनिमा की पोजिशन क्या मिलेगी, थीटा टू हमारा क्या आएगा, यहां रखोगे टू तो टू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, ये होगी टू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, ऐसे ही फिर ये थ्री लैम्डा अपॉन ए, एन चलती रहेगी कंडीशन, इधर भी ऐसे होगा। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अभी हमने देखा था यहां पर कि भाई ए साइन थीटा हमारा कितना होना चाहिए, एन प्लस हाफ होना चाहिए लैम्डा, यहां थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा एन अगर आप निकालोगे तो एन प्लस हाफ लैम्डा हो गया। अब एन की वैल्यू अगर आप वन रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्स मिनिमा निकाल लें, देन इक्वल्स टू वन, मतलब ये वाली मिनिमा, ये तो थ्री लैम्डा अपॉन टू आएगा, थ्री लैम्डा अपॉन टू आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, थीटा वन हमारा इतना आएगा, इट मीन्स थीटा वन हमारा यहाँ देखते हैं, थीटा वन आ गया थ्री लैम्डा अपॉन टू ए, यहाँ ए भी तो है, ये लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा, ए ये टू ए हो गया, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हम, ये वाली हमारी कंडीशन, ये वाली पोजीशन कौन सी, थ्री लैम्डा अपॉन टू ए, ऐसे यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, तो ये फाइव लैम्डा अपॉन टू ए वाली पोजीशन मिलेगी। क्लियर है? अब हमें निकालनी है ये तो इंटेंसिटी कर्व आपको समझ आ गया, इंटेंसिटी कर्व में कौन कौन सी पोजीशंस पर
किस तरह की मैक्सिमा या कौन सी मिनिमम मैक्सिमा मिल रही वो आपको समझ आ गया। अब हमें करना है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ में दो तरह की विड्थ रहेंगी यहां पर, एक निकालेंगे हम एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ निकाल लो जरा कैसे निकलेगी भाई। एंगुलर विड्थ बड़ा क्लियर है, यहां दोनों तरफ मिनिमा बन रही है सेंटर की, तो इधर की मिनिमा अगर हम दोनों तरफ की मिनिमा एक तरफ की मिनिमा निकाल के उसको डबल कर दें तो एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। एक तरफ की एंगुलर पोजिशन हमारी क्या है, पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या है, मिनिमा तो मिनिमा ही है चाहे सेकेंडरी लिखो चाहे कुछ भी, तो ये क्या है हमारी पोजिशन, ये देखो जरा यही तो थी, थीटा वन इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ए, लेमडा अपॉन ए। अब क्योंकि ये दोनों तरफ है तो पूरा थीटा हमारा कितना हो जाएगा, पूरी पोजिशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ये थीटा जो पोजिशन है विड्थ है जो हमारी किसकी, एंगुलर विड्थ जो है वो क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी, तो हम ये लिखेंगे टू लेमडा अपॉन ए, ये होगी हमारी एंगुलर विड्थ किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। लीनियर विड्थ की अगर बात करता है तो लीनियर विड्थ में कुछ नहीं करते हम, बेसिकली कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर विड्थ। तो लीनियर विड्थ अगर एक्स हमने लिया है तो ये हो जाएगा टू डी लेमडा अपॉन ए, क्लियर है, ये आ गया। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है कि सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ बताओ, तो क्या होगा देखो जरा, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालना बहुत आसान हो गया, यहाँ से ये लेमडा बाई ए, लेमडा बाई ए से थ्री लेमडा बाई ए है तो ये लेमडा बाई ए ही हो गया, ये क्या होगा टू लेमडा बाई ए, तो थ्री। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा में, यहाँ पर ये लेमडा बाई ए है, यहाँ पर टू लेमडा बाई ए है, तो इसमें जिसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, लेमडा अपॉन ए ही मिलेगा। तो लेमडा अपॉन ए इस बार विड्थ हो गई हमारी किसकी, सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा की, सेकेंडरी मैक्सिमा हमारी नैरो हो जाएगी थोड़ी सी, लेमडा पहले क्या थी टू लेमडा अपॉन ए थी, अब क्या हो गया लेमडा, ये यहाँ से देखो तो ये वाली पोजिशन किसकी है, ये हमारी पोजिशन है बेसिकली सेकेंड ऑर्डर की, तो टू लेमडा अपॉन ए ये हमारी होगी पोजिशन। अब ये जो पोजिशन आई है बेसिकली, तो हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली ये डिस्टेंस सही है, तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हमें एंगुलर पोजिशन मिल जाएगी। तो अगर हम ये निकालें विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा तो कैसे निकलेगी, देखो ये सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ अगर हम डब्लू प्राइम मान लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 2 लेमडा, देखो ध्यान से 2 लेमडा अपॉन ए माइनस लेमडा अपॉन ए, इट मीन्स इट इज नथिंग बट लेमडा अपॉन ए, पहले था 2 लेमडा अपॉन ए, अब हो गया लेमडा अपॉन ए, तो विड्थ क्या हो गई हाफ हो गई पहले के कंपैरिजन में, और लीनियर विड्थ निकालोगे तो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो लीनियर विड्थ आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, ठीक है, और ये इस तरह से आपका पूरा वेव ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, राइट, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आगे के आने वाले जो 3-4 चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट सारी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सो वी विल फिनिश दीज चैप्टर्स मोस्ट प्रॉब्ली, इन ईच चैप्टर देर विल बी 2 वीडियोज, राइट, इन 2 वीडियोज वी विल फिनिश दीज चैप्टर्स ईच चैप्टर। सो अब यहाँ पर इतना ही काफ़ी, इसके आप क्वेश्चंस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, कुछ क्वेश्चंस मैं PYQs में कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।